हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग अगेन. वेलकम टू द आरसी ऑनलाइन क्लासेस. ओके, आई होप यू ऑल आर फाइन, स्टेइंग सेफ एट होम. ओके, तो चलिए बेटा, कल हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1. क्लियर है? और हमने कुछ प्रीवियस जो टॉपिक्स थे वो भी डिस्कस किए थे. हमने डिस्कस किया था मैटर क्या होती है, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ओके, इसके अलावा हमने जो 3 स्टेट्स हैं मैटर की वो भी डिस्कस की थी. आज हम चलिए कंटिन्यू करेंगे और आज हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज द कंपैरिजन बिटवीन द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. देखिए, टॉपिक्स को रिवाइज करना बहुत एसेंशियल है बेटा. जो भी आपने कल पढ़ा है उसको एक बार जब आप क्लास में आए तो उससे पहले उनको रीडिंग जरूर करें. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. ओके, ये मेन 3 स्टेट्स है. ओके, मैटर के 3 स्टेट्स हैं जिसमें फर्स्ट है हमारी सॉलिड, सेकंड है लिक्विड और थर्ड है गैस. सबसे पहले इनको या इनके बारे में डिस्कस करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप इनका एक डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर समझें कि रियल में होता क्या है. फॉर एग्जाम्पल देखिए, ब्लैक बोर्ड आपको पता है ये कैसा है, सॉलिड स्टेट में. इज दैट क्लियर? वाटर कैसा होता है, लिक्विड स्टेट में होता है. अगर हम बात करें गैस, वेपर या स्टीम, वो कैसे होते हैं, तो वो गैसेस स्टेट में. तो तीनों में कुछ डिफरेंस है. वो डिफरेंस किसके बेस पे? डिफरेंस है इनका जो स्ट्रक्चर होता है, इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, उनके अरेंजमेंट के बेसिस पे. क्लियर है? अब फॉर एग्जाम्पल ये पार्टिकल्स है, अंडरस्टैंड? आपको साफ क्लियरली डायग्राम से समझ में आ गया होगा कि सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही क्लोजली एक दूसरे से बिल्कुल अटैच है. ओके, और इनके बीच में जो ये स्पेस है जिनको हम बोलते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस. ओके, आपको दिखाई दे रहा है ये स्पेस. तो ये जो इंटर पार्टिकल स्पेस है ये बहुत ही नेग्लिजिबल हम कह सकते हैं. कैसा है ये? नेग्लिजिबल, यानी स्पेस बिल्कुल ना के बराबर. इज दैट क्लियर? बिल्कुल ना के बराबर, बहुत ही कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं. इसी वजह से हम इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते. अब सॉलिड्स की खास बात क्या होती है? देखिए, इनकी जो बाउंड्री है वो हमेशा फिक्स होती है. क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि आपने बुक्स, नोटबुक्स नाइट में जो है आप अपनी स्टडी जो डेस्क है उस पर रखते हैं, पता लगा कि वो रात को पिघल के नीचे आपके गिर गई? ऐसा नहीं होता है. इज दैट क्लियर? क्यों? क्योंकि इनकी जो बाउंड्री है वो एक डेफिनेट बाउंड्री है, फिक्स्ड बाउंड्री है, फिक्स वॉल्यूम है जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते. इज दैट क्लियर? चलिए, सेकंड जो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है ये जो डायग्राम है वो है लिक्विड्स का. तो लिक्विड्स आपको दिखा रहे हैं इसमें जो पार्टिकल्स है बहुत ही क्लोजली कॉम्पैक्टली पैक्ड. ओके, और इनके बीच में हमने देखा जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो बिल्कुल ना के बराबर है. लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करें तो इसके बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेस है आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ये जो स्पेस है ये बहुत ज्यादा हो गया. अगर हम सॉलिड से कंपैरिजन करें तो इसका जो इंटर पार्टिकल स्पेस है कैसे है, इसके कंपैरिजन में वो बहुत ज्यादा है. ठीक है, इंटर पार्टिकल स्पेस इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है. ओके, इसलिए आपको पता है आप वाटर में इजीली अपना हैंड मूव कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है. इसलिए डाइविंग जब आप करते हैं तो वाटर को इजिली बैकवर्ड में मूव कर देते हैं और फॉरवर्ड मूव करते हैं. तो वो किसकी वजह से? क्योंकि उसके बीच में स्पेस है. क्या आप सॉलिड में स्विमिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते. ओके, थर्ड जो आपको दिखा रहा है गैस. अब गैस में देखिए पार्टिकल्स बहुत इजीली आपको दिखाई दे रहे हैं. और इवन अब अगर हम बात करें इंटर पार्टिकल स्पेस की, देखिए तो ये स्पेस लिक्विड के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है. क्लियर? आपको दिखाई दे रहा है सॉलिड में जो इंटर पार्टिकल स्पेस था वो बिल्कुल ना के बराबर था, यानी बहुत कम था. लिक्विड में जो इंटर पार्टिकल स्पेस है कंपैरिजन टू द सॉलिड वो थोड़ा ज्यादा है, और गैसेस में ये बहुत ज्यादा होगा. तो देखिए बेटा, ये तो थे इसके डायग्राम. आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कि किस तरह से इंटर पार्टिकल जो स्पेस है वो पहले कम है, फिर थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, फिर और इंक्रीज हो गया. और इसी डायग्राम और इसी अरेंजमेंट के बेसिस पे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस है उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती है. इज इट क्लियर? इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? अलग अलग होती है. चलिए देखते हैं. सबसे पहले हम जो बात करेंगे प्रॉपर्टीज में, ठीक है, प्रॉपर्टीज की जो हम बात करेंगे
से पहले हम डिस्कस कर चुके हैं सॉलिड की जो स्टेट होती है वो कैसी होती है, फिक्स होती है। वॉल्यूम भी कैसी होती है, दैट इज ऑल्सो फिक्स, कि भाई उसकी जो शेप है सिलेंड्रिकल है रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर है, जो भी उसकी शेप है वही रहती है, वो कि उसको चेंज नहीं कर सकते हम। ठीक है, क्या लिक्विड्स की शेप सेम रहती है? भाई आप लोगों ने देखा है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक ग्लास है, ठीक है, या आपके पास कोई जग है, ठीक है, इसकी शेप कुछ इस टाइप की है, ओके, या फिर और कोई बर्तन बाउल आप ले सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज आपने बहुत अच्छे से देखी होगी, फॉर एग्जांपल आपने इस ग्लास में वाटर डाल रखा है, इसी वाटर को अगर आप इस जग में पोर कर दें तो वाटर की शेप कैसे हुई, जैसा जग की शेप है वैसे हुई। अब आपने उसी वाटर को किसमें बाउल में पोर कर दिया तो इसकी शेप कैसे हुई, बाउल की जैसे हुई। इट मीन्स आप कह सकते हैं कि लिक्विड की जो शेप होती है दैट इज नॉट फिक्स, क्या फिक्स नहीं है लिक्विड की शेप, ओके। क्यों नहीं है फिक्स, क्योंकि लिक्विड को जैसे कंटेनर में आप डालेंगे वो उसी कंटेनर की शेप अटेन कर लेगा, ओके। क्या इसकी वॉल्यूम फिक्स्ड है, ऑफ कोर्स इसकी वॉल्यूम फिक्स्ड है। फॉर एग्जांपल आपने इसमें 20 ml वाटर डाला है तो ऐसा नहीं 20 ml वाटर को जब आपने जग में डाला तो वो 30 ml हो गया, इट इज ऑलवेज सेम 20 ml ही होगा। इसको जब आप बाउल में डालेंगे तो भी इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, 20 ml। देखिए सॉलिड में हमने देखा कि इसकी शेप भी फिक्स होती है वॉल्यूम भी फिक्स होती है, बट लिक्विड में हमने क्या देखा कि इसकी जो शेप है वो फिक्स नहीं है हालांकि इसकी वॉल्यूम फिक्स है। अगर गैसेस की बात करें तो देखिए गैसेस में क्या होता है, नाइदर शेप नॉर वॉल्यूम इज फिक्स्ड, ओके। यानी ना तो गैसेस की शेप फिक्स होती है ना ही वॉल्यूम फिक्स होती है, क्यों नहीं होती आप देखिए, क्योंकि आप गैस को पकड़ तो नहीं सकते ना। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंटेनर है, आपको पता लगा इसमें 20 ग्राम या कुछ भी आपके पास गैस है, ठीक है, लेकिन पता लगा जब तक आपने इस गैस को दूसरे बर्तन में डाला, ठीक है, तो तब तक क्या हुआ इसकी जो वॉल्यूम है वो 10 ग्राम ही रहेगी, क्लियर। यानी क्या हो रहा है भाई, सेप तो फिक्स है ही नहीं साथ में इसकी वॉल्यूम भी फिक्स नहीं। सेकेंड प्रॉपर्टी में चलते हैं, सेकेंड हम बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, इस चीज को हम कितना दबा सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, आप सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, इसकी कंप्रेसिबिलिटी बिल्कुल क्या है, नील है, जीरो है, क्यों, क्योंकि इसके बीच में जो पार्टिकल का स्पेस है वो बिल्कुल नहीं है, तो आप दबाएंगे कैसे, अगर आप दबाओगे तो ये पार्टिकल्स जाएंगे कहां पे, इज दैट क्लियर। यानी आप किस चीज को दबा सकते हो, जिसमें दबाने की गुंजाइश है, ठीक है, तो वो कैसे दबेगी, जब इनका इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज्यादा हो। लिक्विड को आप थोड़ा सा मीडियम, इसको हम मीडियम कह सकते हैं, दो एरो में लगा देते हो, मीडियम यानी थोड़ा सा आप दबा सकते हो, उसको प्रेस कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो, लेकिन गैसेस की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो हाइएस्ट होती है। गैसेस को आप क्या कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो, और इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, एलपीजी गैस सिलेंडर, ओके, एलपीजी गैस सिलेंडर आपने देखा होगा, उसमें क्या होता है, आपने कभी उसको पकड़ के हिलाया है, उसमें लिक्विड की जैसी आवाज होती है, दरअसल उसमें होती तो गैस है, लेकिन जब गैस को हम अंडर हाई प्रेशर, उसको जो बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं उसमें, तो वो गैस किसमें कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में। ये किसकी वजह से पॉसिबल है, हाई प्रेशर की वजह से, ओके, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। अब थर्ड जो प्रॉपर्टी थी उसकी बात करते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस, इंटर पार्टिकल स्पेस की बात करें तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इंटर पार्टिकल स्पेस जो सॉलिड में है वो कैसा है, लोएस्ट, सबसे कम है, नेग्लिजिबल है, क्योंकि उसके पार्टिकल कॉम्पैक्टली पैक होते हैं, ओके। लिक्विड में कैसा है, वो भी मीडियम है, यानी हम क्या कह सकते हैं कि जो आपका सॉलिड है उससे तो ज्यादा है लेकिन गैस इससे कम है, इज दैट क्लियर। इसमें भी एरो साइन ऐसे लगाता है कि इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो सॉलिड से ज्यादा है और गैसेस से कम है, ओके। और नेक्स्ट हम बात करें गैसेस की, तो गैसेस में इंटर पार्टिकल स्पेस क्या है, यस दिख रहा है ना आपको, ये मैंने बताया कि इंटर पार्टिकल स्पेस है ये आपका पूरा, तो इसमें इंटर पार्टिकल स्पेस सबसे ज्यादा है, इसमें मीडियम है और उसमें सबसे कम है, ओके।
ओके बेटा, तो बाकी ये तीन प्रॉपर्टीज डिस्कस हो गई। अगली प्रॉपर्टीज हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। हैव ए गुड डे।